बोलिए सतगुरुदेव की जय। सुकृत सुनो भेद निर्वाणा जीवन मुक्त कहूं प्रमाण। साहब कह रहे हैं नाम की प्राप्ति के बाद आदमी जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का प्रयोजन समझेगा, नाम पदार्थ बहुत ऊंची चीज है। जीवन मुक्त का मतलब है संसार में रहते हुए भी सभी कार्य करेगा, अंदर से लिप्त नहीं होगा। वाह ये अद्भुत नाम सदा रखवाला। ध्यान को वर्णो अंगा ताको भाव कहूं प्रसंगा, आदि नाम में देह बताई जाके बल हंसा कर जाई। वाह अब यहां एक जबरदस्त आइडियोलॉजी का जन्म हुआ। इस संसार के अंदर कितने तपसी तपस्या किए लेकिन इस संसार सागर से पार नहीं हो पाए। अब साहब कह रहे गोरख अटके तेहपुर और कौन की बात, बड़े बड़े हाथी बह जाई कहो मसा कह लेखे माई। बड़े बड़े धुरंधर इस माया को पार नहीं करता। अक्सर हम कथाओं में वाणियों में सुनते हैं कि फलाने तपस्वी की तपस्या भंग हुई, यानी ससुर घट में बसे, इन सब से निजात मिल जाती है नाम से। पर नाम के आगे साहब कह रहे हैं आज नाम में देह बताई जाके बल हंसा कर जाएगी। उस नाम की ताकत से साहब कह रहे आत्मा अपनी नाम जाएगी हंसा कर जाएगी। ऐसा कैसा, इस बात को मैं बहुत बार बोल चुका हूं। गुरु सजीवन नाम बताए जाके बल हंसा घर जाए, पूरी तरंगों से वो नाम आपको हर अच्छा बुरा समझाता जाएगा। जिस रास्ते पर जाने से क्षति होगी एक तरंग आपके पास आएगी वो न करो, और मन का प्रवेग वो नाम वहीं पर स्टॉप कर देता है जहां नाम कालगत नाही। आदि नाम में देह बताई जाके बल हंसा घर जाए। वाह कह रहे तो ये आत्मा उस समय जीवन मुक्त हो जाती है। सोई जाप अंतर लो लाए अंतकाल ताको नहीं खाए, एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। उस नाम से अंदर में लौ लगाए काल उसको नहीं खा सकता है। ऐसा तुम्हें कहो उपदेशा अंतर ध्यान को कौन सा देशा। वाह काया कष्ट व्यापे कोई, राजस योग उनका ये सही। 5:25 की सूरत बिसारे अस्तर बैठ ध्यान उछारे। जब अचबा बन जाता है उसमें क्या स्थिति बनती है, आप चाहे स्मरण करो न करो खुद ही याद रहेगा। पांच पच्चीस की सूरत कैसे बिसारे थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा श्वास है, हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा श्वास है। मैंने इन श्वासों का कई बार जिक्र किया है, ये दसों वायुएं शरीर में काम कर रही है। अब 5:25 को कैसे बांधे, हम जो श्वास लेते हैं नाभि में पहुंचती है, यहां 10 वायु बन जाती है, अपान उदान प्राण समान सर्वतन ज्ञान धनंजय देवदत्त नाग किरकिल सबल। अब ये वायु क्या करती है, अपान तो मलमूत्र को बाहर करती है, अपना काम कर रही है। उदान कलेजे में है, अपान को ऊपर नहीं आने दे रही है। प्राण हृदय में, अब इससे हार्ट बीटिंग हो रही है। धनंजय भुजाओं में है जिससे पूरे शरीर में ताकत मिल रही है। नागवायु कंठ में है, ये नींद लाती है। किरकिल नासिका में ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। देवदत्त पलकों में, इससे पलकें उठ रही हैं गिर रही है।
और सबल वायु शरीर को तरोताजा और जोड़ों को मूवमेंट कर रही, समान देही को फूलने नहीं दे रही, मरने के बाद निकलती है तब शरीर फूलता है, इसी से पूरा पांच तत्व चल रहे हैं। ये एक सिस्टम है शरीर का। अब पांच पच्चीस कैसे साधे, जैसे इंडा पिंगला खुल गई सुमरण से तो समस्त वाहियां सिमट करके शून्य की तरफ चलती है। इंडा पिंगला सुखमन बूझे आपे अलग लखावे, ये सब उसी में आ जाएगी। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है, कबीर जाने संत जन सुमरण समकृष्णा है। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण की ऐसाई माया समाए। वाह, अब यहां साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माए, कबीर जाने संत जन सुमरण समकृष्ण है। इसलिए जैसे आदमी श्वास सदतिक डोरी लाए ऑटोमेटिक ये सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी, तब क्या होगा, आप शरीर में होंगे, आपको लगेगा जैसे मेरा शरीर नहीं है। ये वो तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। अब क्या होता है इस स्थिति में, वो मृतक दशा जैसे होती है, खावता पीवता जागता सोता, कहे कभी सो रहे नहीं, सब कार्य करता हुआ वही रहता है। बैठ शून्य महल में जाई तब निरंतर ध्यान लगाई। वाह, और रचना सकल तहां मिजाई, वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार भी शून्य में क्लोज हो जाते हैं। वो शून्य आसन किया, यह जहां मन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती है, फिर बुद्धि अपना निश्चय नहीं करती है, चित्त नहीं करता है, जो बैलेंस रहता है। वाह, अभी गोस्वामी जी मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं, सोहमा अस्म इति तहम प्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा तब भव मूल अविद्या नाशा। वाह, रचना सकल तहां विसर तब निरंतर ध्यान लगाई, यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। गोस्वामी जी ने भक्ति के विषय में एक अच्छा चैप्टर उठाया है उत्तरकांड में, जैसे हम भोजन खाते हैं जठर अपना पूरा काम करता है, भोजन का सार खींच लेता है, विटामिन खींच लेता है और जितना भी और अन्य पदार्थ है उनको बाहर कर देता है। ये काम जठर करता है, ये काम जठर कर लेता है। इस तरह सुमरण से सभी चीजें ऑटोमेटिक होती जाएगी, उसमें आपको किसी ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं है। दूध अनपढ़ पिएगा तो भी उसको वो तत्व मिलेंगे, पढ़ा लिखा पिएगा वो, अंतर ये होगा कि पढ़ा लिखा जानेगा लेकिन प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। इसी तरह राम एक तापस त्रेतारी नाम कोटि खल कुमत उबारी, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। तभी ध्यान समाधि लगाए जाकी सूरत अंत है नहीं जाइए, अंत है और जगह, बस ये ध्यान संभालना। आपका ध्यान बिखरा सब क्या, यहां साहब कह रहे जो कुछ है सो सूरत है, कहे कबीर समझाए। सत्य शब्दी
सत्य शब्द प्रतिदृढ़ है, यानी वहां पर आपने एक तो विश्वास जरूरी है, कहो कौन से बिन विश्वासा, आप बाकी चीजों में नहीं उलझे। जब बाकी चीजों में उलझाओगे तो आपकी आस्था विखंडित हो जाएगी। इसलिए एक आस विश्वास तुम्हारी पड़ा द्वार में सबविधारी, जय 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 गुरुवर की। अन्य अन्य चीजों की तरफ आपका ध्यान कतई नहीं जाए, ये एक सिद्धांत है भक्ति का। आपको तब ये सब चीजें स्वयं मिलती चलेगी। और ये ध्यान दें आप कि रिद्धि सिद्धियां भी बीच में मिलती है, उनमें न उलझ कर आप अपने कार्य में लगना। अब ये सिद्धियां क्या कहती है, उलझाएगी, इसलिए अधिकतर सिद्ध पुरुष इसमें उलझ जाते हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं जाकी पूंजी नाम है ताकि है सब सिद्ध, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति ने छोड़ जा साहब। प्रथम अहमा नाम कहावे ता लय लघु देह बनाए, इस अहमा सिद्धि से लघु शरीर बना सकता है सूक्ष्म, और ये ज्ञान हनुमान जी को भी था। द्वितीय महिमा कहो बखानी निस्तन की धीरता ठानी, अपने शरीर को विशाल कर सकता है। तृतीय लंगमा जो लगवाए सो अपना तन हरु बनावे, लंगमा में अपने शरीर को हल्का बना सकता है। चौथे गर्मा नाम भनीजे जो लय निस्तन भारी कीजे, यही गर्मा सिद्धि थी अंगद के पास, इसलिए उसका पैर कोई नहीं उठा पा रहा था, ये आती जाती है। पंचम प्राप्ति नाम बताऊं सोल है, जहां चाहो चल जाओ, जहां चाहो वहां चला जाएगा। पुनः प्रकामिका छठे अहि जाते निज मनोरथ सब लय, यानी इससे क्या होगा, जो चाहोगे प्राप्त होता जाएगा। सत्य इष्टार नामक हो जा पर चाहे आप बढ़ो, इस इष्टता सिद्धि से दूसरे आपको बहुत ऐसे लगेंगे नथिंग। आठवें बशियो नाम का है जह चाहे तेंदेर ब्रह्माई, आठों सिद्ध भेद अनेका जाने योगी सहित विवेका। नव निधिया महापद्य और पद्य का है, कश्यप मकर मुकुंद खर्व शंख और नील का है, नवम का है कुंद। ये नव निधियां हैं। तो बंधुओं इस तरह से ये सुमरण में सभी चीजें आती जाएगी। आदि नाम सुमरण सार सुमरण हंस उतारे पार, सुमरण से ये सब चीज हो जाएगी। कोट 88 घाट है यम बैठे तह रोग, आदि नाम सुमरण के हंसा हो निशोक। वाह वाह साहब कह रहे हैं हंस निशोक हो जाएगा। इसलिए घाटी नाक है आगे जब जाए सफल धूप तहरे पछताए, सकल धूप तहरे पछताए, आगे मकर तारे डोरी जहां यम करे मुख मोरी। ओहम सोम नाम के आगे करे प्यार, अजर लोग बासा करे जगमग दीप स्थान। सुख सागर स्नान करे होए हंस का रूप, जाए पुरुष दर्शन करे जिस दिन परम आनंद। आदि नाम सुमरण के आवागमन नशाए, सत्य लोग बासा कहे करे कहे कबीर समझाए। वाह नाम की इतनी बड़ी महिमा बोल रहे हैं। बारह आगे साहब कर निष्दिन सुमरण जो करे करम भरम मिट जाए। वाह
यहां नानक देव जी भी बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं यह नानक साची मान। संयम नाम सदा चितलाए जासे काल दगा मिट जाए, काल दगा धर आवे भेखा जीव चुके धरती की रेखा, सो समय जो मारे तारी सत सुकृत की करे रखवाली। वाह, अब साहेब कह रहे सोते समय भी आप सुमरण करना, तो रात भर आपका सुमरण होगा, सोते कैसे? सुनिए, जब आप चिंताओं को लेकर सोएंगे तो पूरी रात चिंता ही दिखेगी, इस तरह सुमरण करते करते सोएंगे तो पूरी रात आपका सुमरण चलता रहेगा। अजपा अब साहब एक बात और करें, कहे कबीर धर्मदास से महाप्रसाद जो ले शीत प्रसाद, काल दशी सब टूट यमे चुनौती दे, शरणामृत शिष्य जो ले सत्य नाम हृदय चित दे, लागे नहीं काल की शाही शरणागत जो हुए सहाय, यानी उसमें एक ताकत आ जाती है। वाह, इस गुरु शरणामृत का बखान तो गोस्वामी जी ने रामायण में भी किया, सदगुरु ने बीरा दीना हंस बचाए काल से लेना, सतलोक में बैठ जाए सुकृत जैन पाए रहा, कहे कबीर जे हंस वारे जरा मरण सब कष्ट निवारे। अब साहब यहां कह रहे कि सिद्ध साध जय पाए नहीं, इसलिए भक्त का दर्जा बहुत ऊंचा कहा। साहब ने अपनी वाणी में नाम का महात्म इतना अधिक बोला कि और पूरी दिनचर्या बोली है, उठत बैठत जागत सोवत नाम जपे सिद्ध भय तिनके सब काज। वाह, भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवारा, भूत प्रेत भी सामने नहीं आएंगे, ये एक प्रमाणित वाणी है साहब की। सुमरण, सुमरण का महात्म साहब ने बहुत ज्यादा बोला, और गुरु का ध्यान। अब कह रहे हैं गुरु संतन की आज्ञा पाए गुरु महिमा अमृत रस गाई, गुरु मिले तो अगम बतावे यम की आंच ताए नहीं आगे। अब यहां बार बार ये कह रहे हैं कि गुरु यम की आंच से बचाएगा, जेता नाम रूप जगमाई सभी में सदगुरु की छाई, सदगुरु सकल कमल के वासी सकल भुवन गुरु तन ने राखी। सदगुरु अजर अमर अविनाशी, सदगुरु परम ज्योत प्रकाशी, गुरु गोविंद दो एक स्वरूपा नाम रूप ये भेद अनुपा, वाह अलग पुरुष की आरसी संतन के लिए दे लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लग ले। गुरु अविचल पद पूर्ण धामा, गुरु स्वामी गुरु जग विश्रामा,
सदगुरु जन्म मरण ते न्यारा, सदगुरु सबका सृजनहारा, निर्गुण गुरु रूप से न्यारा, छा रहो सभी संसार, है सदगुरु सत्पुरुष आपे जासे प्रकट ब्रह्म भयो जापे। वाह, आप गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने हैं, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे। गुरु की सेवा जो करे, हृदय ध्यान लगाए, काल जाल से छूट के सत्य धाम को जाए। पर आगे साहब क्या करे, इसमें मन बड़ी बाधा डालता है। गुरुपद सेवे विरला कोई, विरला जा पर कृपा साहिब की हुई। आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोल नारा। साहिब भी कह रहे हैं आप ही गुरु हैं, शिष्य पुनाप ही। जब साहिब कृपा करता है तो ऐसी बुद्धि आती है, आदमी गुरुमुख हो जाता है। ये सब चीजें अंतर में स्वयं ही पैदा होने लगती है। नौ ना 84 सिद्धा गुरु चरण सेवे विद्रा, गुरु के सेवे कटे दुख पापा, जन्म जन्म को मिटे संताप। गुरु की सेवा सदा चल दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अब यहां साहब सुमरण के साथ गुरु का ध्यान बोल रहे हैं, सेवा बोल रहे हैं। शिव ब्रंच गुरु सेवा की ना, नारद दीक्षा गुरु गुरु को देना, गुरु सेवे सो चतुर सजाना, गुरु पटतर कोई और नाना। बोला इसके बड़ा, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। गुरु की सेवा मुक्त निज पाए, बौड़ नान सा भव जलाए। गुरु की सेवा कीजिए तज मन का अभिमान, गुरु बिन दूसर को नहीं धर्म मन सतगुरु जाने। योग दान जप तीर्थ नहाना, गुरु सेवा बिन निष्फल जाना। इतनी बड़ी बात बोलेंगे ये सब निष्फल चले जाएंगे। गुरु सेवा बिन बहु पछतावे, फिर यम के द्वारे जाए। सदगुरु की सेवा सफल है। गुरु सेवा बिन घटन यारा, कैसे प्रकटे ज्ञान हो जा रहा। गुरु सेवा बिन सदा जो ध्यावे, गुरु बिन सांस राह नहीं पावे। गुरु सेवा बिन कान पुकावे, भवर भवर भव जल में आवे। गुरु सेवा बिन अंधा नेरा धुंध अंधेरा, गुरु सेवा बिन काल को चेरा। अब गुरुमुख होने के लिए क्यों बोल रहे भाई, जो आपका मन कहे वो करते जाओगे तो भवसागर से कैसे पार होंगे आप। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई पलक पलक मन मोर। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी, खीर उतारे सदगुरु जानी। ये नहीं है कि थोड़ा कष्ट आया तो किसी ने कहा चलो सयाने के पास आप पहुंच गए तो फिर यहां भक्ति खंडित हो जाएगी। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। गुरुमुख प्राणी सदा जिए, अमर हो ज्ञानी रस पिए। गुरुमुख को सभी मिले चार पदार्थ साथ। आप देख रहे होंगे, मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, इस 5 दिसंबर को मुझे दीक्षा देते 50 साल होंगे। इस 50 साल के अनुभव को शेयर कर रहा हूं। गुरुमुखों को हमेशा आनंद ही मिला। अब गुरुसीढ़ी से उतरे, आड़े टेढ़े काम करो, मांस खा के आ जाओ, शराब पी करके आओ, पर स्त्री गमन करके आओ, कहो गुरु जी कृपा करो, तो ये ऊपर की चिकनी कहे और भीतर की कुछ और। ऊपर से चिकनी कहे ये ना हो, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, नर्क उर्द मुख बासा पाई। गुरबिन काहू न पायो ज्ञाना, गुरबिन होए यम लोक से जाना। गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त भी नहीं कर सकता। गुरबिन दान पुण्य जो करे, होए निष्फल
सब मत सो कहे। गुरु बिन दान जो देते हैं, गुरु बिन लेते नाम, गुरु बिन दान हराम है, बूझो वेद पुराण। पात्र कुपात्र विचार कर तब दी देते हैं दान, भाई पता नहीं वो कहां लगाए पैसा। गुरु बिन भ्रम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे छतराई। एक आदमी यहां था, वो काफी गुरु किया हुआ था, मुझसे नाम लिया। मैंने उसको कहा भाई कैसा है, बोला ठीक है। नाम के बाद कैसा लग रहा है, बोला गुरुजी बाकी तो अभी मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन एक बात थी, मेरा भटकाव खत्म हो गया। पहले मैं बहुत गुरुओं के पास गया, लेकिन मेरा जो भटकना था वो बना रहा, लेकिन एक अंदर से ऐसी संतुष्टि आ गई है, अब कहीं ऐसा लगता है कि कहीं आगे कुछ नहीं है। गुरु बिन भ्रम न छूटे भाई, कोट उपाय करे छतराई, यानी बहम छूट गया। गुरु बिन होम यज्ञ जो करे ही जाए, पुण्य पाप सो भरे। हाँ, यहां तक बोल रहे, भव सागर है अगम अगाहा, गुरु बिन कैसे पाए था। गुरु बिन बूझ सकल आचार्य, पहले जमाने में कोई भी समुद्र में नहीं जाता था, विशाल समुद्र था, भटक जाता था, पता ही नहीं चलती चलता था दिशा। आज से साल पहले तक दुनिया बड़ी छोटी थी। आप देखो अटलांटिका, ये पुर्तगाल था, एंड ऑफ द वर्ल्ड, इधर की दुनिया ही नहीं थी। ये तो इतनी दुनिया थी, ये तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 400 साल सिर्फ पहले, ये 8000 किलोमीटर है दूरी। कोई 8000 किलोमीटर समुद्र में घुसेगा ही नहीं, समुद्र में जाने के बाद बुद्धि घूमेगी। वैज्ञानिकों ने क्या आला, क्या तंत्र निकाला, कंपास जो दिशा डिग्री देता है। और उसके द्वारा आदमी अपनी तरफ चलता है। इसी तरह हवाई जहाज है, पहली कॉमर्शियल फ्लाइट दुनिया में 1908 में स्टार्ट हुई थी, वो भी इसी से चलते। इस तरह आपको अंदर से हमेशा एक डायरेक्शन मिलता रहेगा, नाम के बाद पक्का डायरेक्शन मिलेगा। गुरु आज्ञा ग्रहण करे छोड़े मनमुख ता का काल, गुरु कृपा था पावही क्षण में होए निहाल। गुरु कृपा से फिर क्षण में निहाल हो जाएगा, वो क्षण में निहाल हो जाएगा। गुरु की कृपा कटे हम फांसी, विलंब न होए मिले अविनाशी। वो ताकत विलंब नहीं होती है, आपको उस समय से ही मिलने लगती है। गुरु कृपा सुखदेव पाया चढ़ विमान वैकुंठ ही गया। गुरु की कृपा जब नारद भय मेड़ 84 सुख सुख गये। गुरु कृपा माम देवे धरिया गर्भ माए गुरु ज्ञान है परिय। सुखदेव गुरु कृपा ध्रुव जो
गुरु कृपा ते भय उजासी सनक सनंदन नारद व्यासी, गुरु कृपा ते जनक विदेही सो ग्रह माए परम पद लेही, गुरु कृपा ते जन प्रलादा जय तो है भक्ति दिन साजा, गुरु कृपा ऐसी है सुनो साधु सिद्धे ताते गुरु सुमरण कर रहे काल को ले। वाह वाह, साहब ने गुरु तत्व को इतनी बारीकी से बोला, गुरु गुरु सुमरो मन से प्यारो, गुरु गुरु कहो कोटि अवतारो, गुरु गुरु जाए पाए सब सारे दुर्मत कपट दूर कर डाले। एक आदमी मनमुख टाइप हुए, अब वो क्या कर रहे हैं, उनका संग नहीं करना। हमारे कुछ विरोधी पंथों की किताबें घर घर जाकर बांट रहे हैं, और खास कहाँ जा रहे हैं, हमारे नामियों के घर। मैं कहता हूं उनको अपने घर क्यों घुसने देना मनमुखों को, मनमुखों की तो शक्ल भी नहीं देखना चाहिए, वो किसी काम के नहीं। इस तरह कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मनमुख टाइप, गुरु जाप करो मन धीरा, गुरु के नाम मिटे सब पीड़ा, गुरु गुरु मंत्र हृदय धरीजिए तन मन सब अर्पण कीजिए। वाह, गुरु गोविंद तो एक स्वरूप। साहब ने गुरु तत्व पर बहुत सी बातें बोली है। अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले, एक नाम गुरु देह दिखाई लखाई सोने नाम कर पे नहीं जाई। एक नाम बोल रहे हैं, पांच नहीं बोल रहे। गुरु सुमरण निज नाम उचारे आप तरे औरन को तारे, सदगुरु शब्द नाम निर्धारा भव सागर से उतरे पारा, गुरु को स्मरण कीजिए निश्चिन ध्यान लगाए। वाह, नास्ति गुरुजान समतपम, इसलिए चलते फिरते उठते भी सुरती रहे भाई, बस जिसका रूप ध्यान करोगे उसका रूप और गुण आपके अंदर आ जाएगा। यहां साहब बड़ा स्पष्ट शब्द कह रहे हैं, हरि सेवा योग चार है, गुरु सेवा पलेक ताका पटतन ना तुला, जब किया कबीर विवेक। जात बढ़ाई आश्रम मान बढ़ाई खोए, जो सदगुरु के पल लगे साचा शिष्य सोए, गुरु आगे राखे मात करे विनय दुख मेटो नाथ, अहो अधीन तुमरे दासा देव अपने चरण में वासा, यह मन तो भेंट चढ़ाओ अपनी इच्छा कुछ ना हो, जो चाहो सो तुम अब करो या भांड को जहमित भरो। गुरु के आगे जाए के ऐसे बोली बोल, कूर कपट राखे नहीं अरज करे मन खोल, कपट नहीं करना छल नहीं करना किसी से भी नहीं करना, गुरु से कपट करे चतुराई सो हंसा भाव भर में जाए। झूठ तो किसी से भी नहीं पूछना बोलना, दया होए गुरुदेव की छूटे अविद्याभान, मिथ्या माया सब मिटे पावे अविचल नाम। बस वो एक ही चीज कहे, कृपा करना ध्यान रखना अपनी शरण में रखना, सुरती देते रहना, बस सुरती सुरत संभाले कहा जाए तो ना भरम बुला। अच्छा समय हो गया, कल पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँगा।